फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इसके पूर्व के क्लास में हम लोग इकोनॉमी के अंतर्गत जो है बेरोजगारी के बारे में जो डिस्कस किया हुआ था कि बेरोजगारी क्या है, उसके क्या प्रकार हैं और बेरोजगारी का मापन कैसे किया जाता है, बेरोजगारी के कारण क्या है, इन सभी जो है टॉपिक को हम लोगों ने जो है इसके पूर्व के क्लास में जो डिस्कस किया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। और अभी उससे आगे कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के ही टॉपिक में आते हैं और वो परीक्षा के लिए जो है विशेष करके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसे हम लोग जो है कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है कुछ जो टॉपिक हैं उनको शामिल करेंगे, तो हम उसको जो है लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे श्रम शक्ति है, श्रम शक्ति, अब हम इसको अभी समझते हैं कि ये क्या है। श्रम शक्ति है और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, ये हुआ। इसी के साथ साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कुछ ऐसे जो कार्यक्रम जो कहीं ना कहीं लोगों के बेरोजगारी को कम करते हैं, उन्हें रोजगार देते हैं, उनके आय में वृद्धि करते हैं और इस तरीके से जीवन यापन करते हैं। तो इसमें हम लोग जो है स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, विकास को लेकर के, इन सभी पॉइंट पर जो है चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है यहां पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है श्रम शक्ति को जो है समझते हैं कि श्रम शक्ति कहा किसे जाता है। श्रम शक्ति जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, श्रम और शक्ति। यानी कि एक ऐसा जो है वर्ग या एक ऐसा व्यक्ति जो श्रम कर सकता है वही जो है श्रम शक्ति कहलाता है। अब इसको अगर इकोनॉमी की भाषा में जो है परिभाषित किया जाए तो जनसंख्या का जो है 15 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोग जो किसी न किसी कार्य में नियोजित होते हैं या नियोजित हो सकते हैं या रोजगार की तलाश में होते हैं, उन सभी लोगों को जो है वो श्रम शक्ति कहा जाता है। यानी कि 15 से जो है 65 वर्ष के आयु वर्ग के जो है लोग इसमें जो है सम्मिलित होते हैं। पूर्व में जो है इसमें 60 वर्ष की भी आयु होती है। जैसे जैसे व्यक्ति के जो है जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है वैसे वैसे इसको जो है संशोधित किया जाता रहता है। तो 15 वर्ष की आयु के बच्चे जो है आश्रित होते हैं, 15 से जो है 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोग जो किसी न किसी कार्य में जो है नियोजित हैं और जो नियोजित नहीं है वो सभी श्रम शक्ति के अंतर्गत जो है आते हैं और जो नहीं है उन्हीं से जो है बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। तो श्रम शक्ति का जो है तात्पर्य जो है वो इस आयु वर्ग से है जिसमें कि कोई जो है कार्य करने की क्षमता जो है होती है वो श्रम शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, भारत में अगर देखा जाए तो चूंकि भारत दुनिया का जो है दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों के द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है, इससे आने वाले समय में भारत की जनसंख्या चाइना से भी ज्यादा जा सकती है। और चूंकि जनसंख्या भी हाल तक जो है बहुत तेजी से बढ़ी हुई है, इसीलिए वो जनसंख्या जो कि 15 से इस 60 या 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए वो किसी भी कार्य में नियोजित होने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए आय प्राप्त करने के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और इसी जो लाभ की स्थिति को जो है डीडी यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, जनांकीय लाभांश इसको हिंदी में जो है बोलते हैं। लाभांश इसको जो है जनांकीय लाभांश जो है इसको बोला जाता है।
भारत में चूंकि जनसंख्या जो है 15 से 65 आयु वर्ग के वर्ष के जो है लोग ज्यादा हैं, इसलिए वो विभिन्न योजनाओं में उत्पादन के विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं में नियोजित होकर के उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए जो है इसे जनांकीय लाभांश जो है कहा जाता है। अगला इसी से एक संबंधित बेरोजगारी दर है। बेरोजगारी दर, अब ये बेरोजगारी दर को अगर निकालना है तो यहां पर बेरोजगार लोग बटे जो है श्रम शक्ति गुणे 100, ये प्रतिशत में जब निकाला जाएगा तो ये आंकड़ा क्या होगा, बेरोजगारी दर जो है निकल आता है। और बेरोजगारी दर के साथ साथ जो रोजगार दर अगर निकालना है तो यहां पर जो है बेरोजगार के स्थान पर रोजगार को जो है श्रम शक्ति को जो है अनुपात निकाल करके 100 के गुणक में यानी कि प्रतिशत में देखा जाएगा तो वो रोजगार दर जो है हो जाता है। इसी से संबंधित जो श्रम भागीदारी होती है, श्रम भागीदारी से तात्पर्य यह है कि श्रम में नियोजित लोगों की संख्या और को उसी आयु वर्ग के जो है लोगों के अनुपात अगर निकाले जाते हैं तो वह जो होता है श्रम बल भागीदारी कहलाता है। भारत में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में श्रम बल भागीदारी घटा भी है, यानी कि लोगों की रुचि कहीं ना कहीं जो है काम करने में कम हुई है, जो कि 2016 में देखा जाए 2016 में इसकी जो संख्या थी वो 47% के आसपास थी, जो कि 2021 में घट करके आकर के 40% हो जाता है। यानी कि अगर 100 लोग जो है श्रम शक्ति की श्रेणी में हैं कि वो कार्य कर सकते हैं, जो कि 15 से 60 या 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोग हैं, तो उन 100 में से केवल 40 लोग ही जो है काम कर रहे हैं, यही श्रम बल भागीदारी कहलाता है। तो इसके दर को हमें जो है जैसे 40% है इसे 45 करना होगा, फिर इसे 50 करना होगा, 60 करना होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो है बढ़ाना होगा, तभी जा करके जो है बेरोजगारी को हम कम कर पाएंगे, क्योंकि इसी से जो है अनुपात जो है बेरोजगारी दर का भी जो बनता है, क्योंकि जो रोजगार ज्यादा हो जाएंगे तो बेरोजगारों की संख्या कहीं ना कहीं जो है कम हो जाती है, इसके आधार पर निकलता है। इसी से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट आता है, रोजगार लोच को जो समझने के लिए यह समझना आवश्यक है कि अगर जो है उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उससे रोजगार पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसका अनुपात जो है वो रोजगार लोच कहलाता है। अगर मान के चलिए कि किसी जो है कपड़े की फैक्ट्री में जो है किसी कपड़े की फैक्ट्री में 1000 मीटर जो है कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है और वहां पर जो है 100 मीटर जो है कपड़े का उत्पादन बढ़ा दिया जाता है, यानी कि एक निश्चित मात्रा, उसे आप एक यूनिट भी कह सकते हैं, तो 1000 के स्थान पर अगर 1100 मीटर कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है तो उससे जो है लोगों की संख्या काम पर ज्यादा रखने पड़ेंगे, तो इस प्रकार से उसमें रोजगार की संभावना बढ़ेगी। यानी कि पहले अगर 20 लोग काम करते थे तो हो सकता है अब 22 लोगों की जरूरत हो, यानी कि प्रति जो है 100 मीटर कपड़े के उत्पादन पर जो है 2 लोगों की संख्या बढ़ जा रही है, यह कहलाती है रोजगार लोच कहलाती है। इसे भी जो है इकोनॉमी के अंतर्गत जो है इस चैप्टर में जो है समझा जाता है, इसे रोजगार लोच कहा जाता है। अगर भारत की जो इकोनॉमी में देखा जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना एग्जैक्ट शुरुआत में जो है भारत में खाद्यान्न के उत्पादन पर बल दिया गया, औद्योगिकरण पर बल दिया गया, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, और 5वीं पंचवर्षीय योजना तक पहुंचते पहुंचते जैसे देश में जनसंख्या बढ़ती गई वैसे ही जो है यहाँ पर रोजगार के लिए जो है प्रयास की बात को महसूस किया जाने लगा कि रोजगार परक जो है अर्थव्यवस्था वृद्धि या अर्थव्यवस्था के विकास की रणनीति को स्वीकार किया जाना चाहिए, अर्थात एक ऐसी रणनीति और विकास की मॉडल को स्वीकार करना होगा या अपनाना होगा जिससे लोगों को रोजगार दिया जाना संभव हो सके और बेरोजगारी को कम किया जा सके। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है फिफ्थ जो है
फाइव ईयर जो प्लान था, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में जो है पहली बार विकास आधारित जो है रोजगार आधारित विकास की रणनीति को स्वीकार किया गया। और सिक्स्थ में जो है इसमें जो है सिक्स्थ फिफ्थ वर्षीय जो फिफ्थ ईयर जो प्लान थे यानी कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार ये जो है स्वीकार किया गया कि यहां पर छठी पंचवर्षीय योजना में स्टैंडर्ड ईयर की बात को स्वीकार किया गया, मानक वर्ष निर्धारित किए गए। और इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति 8 घंटे काम अगर 273 दिन कर रहा है तो उसे जो है पूर्ण रोजगार मान लिया जाएगा कि वो पूर्ण रोजगार की श्रेणी में है, यानी कि एक वर्ष में जो 2273 दिन काम करता है और इस तरीके से वो 8 घंटे का काम प्रतिदिन प्राप्त करता है तो उसे जो है माना जाएगा कि वह पूर्ण रोजगार है। तो इस तरीके से जो है यह कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है श्रम शक्ति के अंतर्गत जो है जनांकीय लाभांश सहित जो है कई चीजों को सम्मिलित किया गया, जिसमें जो बेरोजगारी का दर, श्रम बल भागीदारी और बेरोजगारी लोच या रोजगार लोच, इसी के साथ साथ जो है मानक वर्ष इत्यादि को, स्टैंडर्ड ईयर को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो परिभाषित किया गया है। अब हम इसमें जो है आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया जाता है। किंतु उस समय देश की स्थिति जो है बहुत ही विविध, कमजोर और पिछड़ेपन की स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में या समाज के जो है संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा का विषय भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल जो है 41 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 41 के अंतर्गत भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में ये बात कही गई कि भारत या राज्य जो है, राज्य देश में विकलांग, वृद्ध, बीमार लोगों के सामाजिक सुरक्षा का जो है प्रयास करेगा। इसी के कारण से 1995 ईस्वी में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, यानी कि यहाँ पे विकलांग, वृद्धावस्था और विधवा, ये पेंशन योजना प्रारंभ की गई। विकलांग 40 से लेकर के जो है 79 वर्ष के लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया, वृद्धावस्था 60 वर्ष के जो है ऊपर के लोगों को सम्मिलित किया गया और विधवा में 40 से लेकर के जो है 79 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को जो सम्मिलित किया गया। वृद्धावस्था पेंशन योजना 2007 ईस्वी में जो है प्रारंभ की गई और यह जो है 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया और इनके लिए जो है एक पेंशन की व्यवस्था की गई ताकि ये अपने जीवन यापन के लिए एक निश्चित जो है आय या एक निश्चित धनराशि की गारंटी इनको जो है दिया जा सके। और इसके साथ साथ जो है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और मातृत्व लाभ योजना को भी प्रारंभ किया गया। परिवार, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इसका तात्पर्य यह था कि अगर परिवार में चाहे पुरुष हो या महिला हो, यानी कि मुख्य अर्जक व्यक्ति की जो अर्जित करते हैं कमाई के माध्यम से या जो कामकाजी व्यक्ति हैं, यदि उनकी जो मृत्यु हो जाती है तो उसे जो है 20,000 रुपये या समय समय पर उसकी जो धनराशि है उसको बढ़ाया भी जाता रहा या उसमें संशोधन किया जाता रहा, तो उनके जो है मृत्यु पर, आकस्मिक मृत्यु पर जो है एक मुश्त जो है सहायता की व्यवस्था की गई। तो राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कहा गया और मातृत्व लाभ योजना, एक जो है मातृत्व जो है लाभ योजना प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत जो है
पहले बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए की जो है धनराशि की सहायता दी जाने लगी और बाद में 2013 के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से इसको दिया जा रहा है। अर्थात ये लाभ अब जो है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के रूप में दिया जाता है, जो कि पहले मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत दिया जाता था। तो कुल मिलाकर के जो है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो इसमें संवेदनशील लोग थे उनके जीवन यापन के लिए कुछ निश्चित तौर निश्चित जो है आय के साधन के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई और इसमें विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था, परिवार लाभ योजना, मातृत्व लाभ योजना को बनाया गया। कुछ चीजों को एक में जोड़ करके इसलिए देखना आवश्यक है क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा इत्यादि में इस पर टिप्पणी पूछ ले कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पर दीजिए, तो आप यहां से वही पृष्ठभूमि बनाएंगे कि देश की स्वतंत्रता के समय जो विविधता, पिछड़ापन, गरीबी इत्यादि थी, इसलिए संविधान में इस बात को जो है स्वीकार किया गया कि राज्य का यह दायित्व तो होना चाहिए कि वह वृद्ध, बीमार, विधवा, विकलांग इत्यादि लोगों के लिए जो है सुरक्षा करने का जो प्रयास करेगा। और इसी के अंतर्गत जो है आर्टिकल 41 में ये व्यवस्था की गई और इसी के चलते सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो है कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को व्याख्यायित करके आप अपने उत्तर को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए पृष्ठभूमि के साथ वह कार्यक्रम क्या है ये जोड़ करके उसकी थोड़ी सी व्याख्या करना आवश्यक है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बढ़ते हैं तो आपका ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट माना जाएगा। अगला जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम प्रारंभ होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जो है कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम था। ये 2005 ईस्वी में जो प्रारंभ किया गया, 2005 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत जो है वो सरकारी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी वो सस्ती दरों पर प्रभावी रूप से और विश्वसनीय तरीके से लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की जो है सुविधा को सुनिश्चित किया जा सके। और 2005 ईस्वी में प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 1000 जनसंख्या पर आशा नामक पद की भी जो व्यवस्था की गई। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ये प्रारंभ किया गया और 2013 में आकर के राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी प्रारंभ किया गया। जैसे यहाँ पे ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था वैसे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में आकर के प्रारंभ किया जाता है। इसमें जो है जहां आशा थी वहां पर यहां ऊषा हो गई। अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यहां ऊषा थी, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो आशा और ऊषा में ये अंतर है क्योंकि ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी खैर इसको यहां जोड़ करके इसलिए देखा जा रहा है ताकि याद करने के लिए भी जो है वो आप लोगों को आसान हो सके और ड्यूरेबल हो सके तुलनात्मक रूप से, क्योंकि पढ़ाई करने का एक माध्यम ये भी होता है कि आप चीजों को तुलना करके भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अंतर करके समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ चीजें होती हैं जिसको जोड़ कर देखेंगे तो वो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रामीण कह दे रहे हैं परंतु जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप जीएस की पढ़ाई करते हैं तो वहां ये मैटर नहीं करता। वहां आपका टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है चीजों को तैयार करना। तो हम एक बृहद जो है संदर्भों में इस चीज को देखते हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए जो है इस तरीके के जो कार्यक्रम चलाए गए 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और 2013 में अर्बन ये राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया जहां पर क्रमशः आशा और ऊषा काम करते हैं। अब रोजगार की बात आती है तो इसमें एक नरेगा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये एक्ट के रूप में 2000 एक्ट का अगर देखेंगे तो 2005 ईस्वी में जो है ये एक्ट लाया गया था। तो इसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, 2005 ईस्वी में आया और इसे 2006 ईस्वी में जो है ये लागू किया गया। पहले ये 200 जिलों में लागू किया गया, पुनः 2007 में आकर के अगर देखा जाए तो ये 130 जिले में और बढ़ाया गया और 2008 ईस्वी में इसे संपूर्ण भारत में जो है लागू कर दिया गया। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आय को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण जो है माध्यम था, एक महत्वपूर्ण जो है योजना थी जिसके माध्यम से रोजगार को बढ़ाने पर बल दिया गया। और 2005 ईस्वी का ये एक्ट है, इस चीज को समझना आवश्यक है। 2006-7-8 की ये कहानी है। 2009 ईस्वी में 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसे, चूंकि महात्मा गांधी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और उसके आत्मनिर्भरता पर बल देते थे और कहते थे कि एक जो है समृद्ध और खुशहाल देश जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो है समृद्धि पर ही निर्भर करता है, कि भारत की खुशहाली वो ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि पर ही निर्भर है। इसलिए उनके सम्मान में 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसका नाम जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया जाता है। तो ये बातें हो जाती हैं इसकी कहानी को लेकर के। अब इसमें क्या सुविधाएं दी गई हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर APL, BPL, SC, ST, OBC, जनरल इन सभी चीजों को छोड़ करके सभी लोगों के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें कोई भी व्यक्ति जॉब कार्ड के माध्यम से काम कर सकता है और रोजगार प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें 1/3 जो है महिलाएं भी भागीदार होती हैं। कोई भी व्यक्ति आवेदन करता है उसे 15 दिन में और 3 किलोमीटर, 15 दिन के अंदर जो है, 15 दिन के अंदर उसे जो है रोजगार दिया जाएगा और उसे नजदीकी क्षेत्रों में ही दिया जाता है। 5 किलोमीटर के दायरे में ही जो है उसे रोजगार देने का कार्य किया जाता है। और अगर रोजगार 15 दिन में नहीं मिल पाता है तो उसे भत्ते की भी व्यवस्था की जाती है। सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच में इसमें 90-10 का अनुपात होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में 90-10 का जो है अनुपात होता है। इसके माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नलक जो है नालियों का निर्माण किया जा रहा है, सड़कों को बनाया जा रहा है, तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे रोजगार भी मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी होता है। तो इस तरीके से ये जो योजना थी वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में जो है मील का पत्थर साबित होती है। इससे कई और भी चीजें इकोनॉमी के विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण मानी गई, जैसे कि जब आय बढ़ती है तो आय के साथ साथ व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मांग बढ़ाता है और जब मांग बढ़ती है तो इकोनॉमी में बूम आता है, क्योंकि मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाए जाते हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था को गतिशीलता मिलती है। तो नरेगा एक महत्वपूर्ण जो योजना थी और इस योजना के माध्यम से ये सारी चीजें की जाने लगी। तो ये था रोजगार के लिए जो है कार्यक्रम। इसी में एक और महत्वपूर्ण चीज है, MPLADS मेंबर ऑफ एरिया पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ये 1993 ईस्वी में प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत जो सांसद अपने क्षेत्रों में सामुदायिक विकास से संबंधित परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए तक प्रतिवर्ष की योजना जो है कि संस्तुति कर सकते हैं, 5 करोड़ के लिए था। हालांकि 2020, 21 और 21, 22 के लिए जो है इसमें कटौती कर दी गई थी, इसे 2 करोड़ तक लाके सीमित कर दिया गया था, क्योंकि देश के सामने कोविड जैसी महत्वपूर्ण समस्याएं थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किस तरीके से विकास किया जा सकता है और जो सामुदायिक विकास या स्थानीय क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाएं हैं वो 5 करोड़ प्रतिवर्ष तक की जो है योजना की संस्तुति कर सकते हैं।
कार्यक्रम का नाम जो है एमपी लैड्स है। इस पर पूर्व में टिप्पणी भी पूछा जा चुका है और प्रीलिम्स में भी जो है यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं, तो इस चीज को जो है आप कवर करेंगे तो मुझे लगता है जो है अच्छा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से कि स्कूलों में कमरे के निर्माण करने के लिए भी जो है सांसद या विधायक जी लोग आते हैं और वो कुछ 5 लाख या 10 लाख इस तरीके से अपना अनुदान वो देते हैं ताकि स्कूल का विकास हो सके। तो वो अपने क्षेत्र का वो कार्यक्रम जो होता है अपने क्षेत्र के जो विकास के लिए ऐसा वो करते हैं। तो एमपी लैड्स की जो है ये व्यवस्था की गई है। एक इसमें एमडीएम योजना भी महत्वपूर्ण है। एमडीएम 1995 ईस्वी को प्रारंभ किया गया, एमडीएम 1995 ईस्वी को प्रारंभ किया गया और 1998 तक इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 2004 ईस्वी से इसमें पका पकाया भोजन दिया गया और 2007 ईस्वी से इसमें जो है वो उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी सम्मिलित कर लिया। तो यह अगर देखा जाए तो आंकड़ों पर यानी कि वर्षों पर जो है आधारित एक क्रमिक विकास मध्याह्न भोजन योजना में जो है चलाई जाती है 2004 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण योजना इसमें जोड़ा गया। अक्षय पात्र एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से जो है बच्चों को विद्यालय में भोजन जो है दिया जाता है। इससे भी संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि अक्षय पात्र किससे संबंधित है। तो यह मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत पकाया भोजन उपलब्ध कराने से संबंधित एक संगठन है जो बहुत बड़े स्तर पर जो काम करता है। 2004 ईस्वी से यह प्रारंभ किया गया। तो इस क्रमिक विकास में जो है यह भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्या अक्षय पात्र 2004 ईस्वी में जो है आता है। इसके अंतर्गत जो है 450 कैलोरी और 12 तथा 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, ये प्रोटीन है और ये जो है कैलोरी है, इतना भोजन जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेक्शन में जो है बच्चों को खिलाया जाता है। यानी कि इतने जो है मानक पर प्रोटीन और कैलोरी इस तरीके से समायोजित किए जाएंगे कि प्रत्येक प्राइमरी के बच्चे को यह और अपर प्राइमरी के बच्चे को यह भोजन मिल सके जो कि उसके स्वास्थ्य और पोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। और एमडीएम के क्या प्रभाव थे, क्या उद्देश्य थे, इन चीजों को भी जो है आपको समझना आवश्यक है कि इसका उद्देश्य दो चीजों पर फोकस्ड था। एक तो बच्चे के जो है स्वास्थ्य और पोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था, दूसरा इससे नामांकन को भी बढ़ाना था, अगला इससे उनके लर्निंग लेवल या अधिगम स्तर को बढ़ाना था, अगला ड्रॉप आउट को रोकना था यानी कि एडमिशन के बाद बीच में बच्चों को स्कूल छोड़ देना, इसे ड्रॉप आउट कहते हैं। तो इस समस्या से भी जो है निजात मिल सके, इसलिए एमडीएम योजना प्रारंभ की गई। तो एमडीएम योजना 95 प्रारंभ की गई, 98 में पूरे देश में लागू किया गया, 2004 ईस्वी से पका पकाया भोजन, 2007 ईस्वी से उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लागू कर दिया गया। खैर 2004 ईस्वी में अक्षय पात्र की भी एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो आती है और वो पका पकाया भोजन जो देती है। और इसके अंतर्गत पका पकाए भोजन में 450 से 12 ग्राम जो है प्रोटीन के साथ जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन जो है दिया जाता है। इसका उद्देश्य नामांकन खाद्य एवं पोषण को जो है सुरक्षित करना है, बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाने के साथ साथ ड्रॉप आउट की समस्या को रोकना है। इस तरीके से यह एमडीएम योजना जो प्रारंभ की गई थी। इसी के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं तो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो असंगठित क्षेत्र के समस्या के लिए जो है, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो लगभग जो है 90% असंगठित क्षेत्र में रोजगार है और मात्र 10% ही जो है ऐसे हैं जो संगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार का तात्पर्य कि उनका बाकायदा पंजीकरण होता है, उनके काम के घंटे निश्चित होते हैं, उनके पारिश्रमिक निश्चित होते हैं, उनके लिए जो है आपके इंश्योरेंस की जो व्यवस्था होती है, तो ये सारी चीजें होती है संगठित क्षेत्र में। जबकि असंगठित क्षेत्र के लोग जो है दैनिक मजदूरी या इस तरीके से जो काम करते हैं कि उनके लिए कोई निश्चित व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, वो काम करते हैं उसके बदले में उनको धनार्जन होता है। तो ये व्यवस्था जो है आपके इस पे जो है लागू होती है असंगठित क्षेत्र के लिए। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 पारित किया गया था, 2008 ईस्वी में पारित किया गया था असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 पारित किया गया था। और 2009 ईस्वी में जो है 2009 ईस्वी में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाया गया था, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाया गया था जिसने ये कहा कि असंगठित क्षेत्र के
कार्मिकों को भी जो है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लाभ देने चाहिए, जैसे इसके अंतर्गत जो लाभ यहाँ पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसे जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी जो है दिया जाए। ये राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड जो 2009 ईस्वी में बनाया गया उसके माध्यम से जो है इसकी पैरवी की गई, इसकी अनुशंसा की गई कि ताकि उस क्षेत्र में भी दिया जाए। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रोड पर जो है ठेला लगाने वाले लोग जो है कुली थे, मूंछी थे और ऐसे जो रोजगार में थे जिनकी कोई निश्चित आय नहीं थी या जो प्रतिवर्ष के इंक्रीमेंट या वेतन वृद्धि आधारित जो व्यवस्थाओं में नहीं थे वो सभी असंगठित क्षेत्र में कहीं ना कहीं आते हैं। जिनके पंजीयन की व्यवस्था नहीं थी, जिनके निश्चित कार्य के घंटे की व्यवस्था नहीं थी, जिनके इंश्योरेंस बीमा की व्यवस्था नहीं थी, वो असंगठित क्षेत्र के आते हैं। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए जो है असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एक्ट जो है वो पारित किया गया 2008 ईस्वी में और 9 ईस्वी में बोर्ड बनाया गया। इसे संबंधित एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि भी बनाई गई, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि बनाई गई 2011 ईस्वी में। अब यह समझ लेना आवश्यक है केवल यह किससे संबंधित, इसका उद्देश्य क्या है कि जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चला जा रही उनके फंडिंग का जो है ये बेसिकली काम करता है, उनके जो है ये फंडिंग से जो है संबंधित था, उनके फंडिंग का जो काम के कौन करता था, ये राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि जो फंड बनाए गए थे उससे फंडिंग का काम करते थे, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उससे धन की कमी ना हो सके। तो ये जो है अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बेरोजगारी के चैप्टर के बाद में जो है आते हैं उससे संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने श्रम शक्ति को जो है देखा कि श्रम शक्ति किस तरीके से जो है, श्रम शक्ति की परिभाषा क्या है, श्रम शक्ति से संबंधित अवधारणाएं क्या, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार संबंधी किस तरीके के लिए जो है कार्यक्रम संचालित और ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी बेरोजगारी से संबंधित है और पूरी इकोनॉमी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में इकोनॉमी के अगले टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।